नमस्कार दोस्तों, रोहित गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करें 11.4 एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें मालूम करना है वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाण, दो चीजें हमें मालूम करनी है। इन दो चीजों को मालूम करने के लिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है। 5.3 मीटर, 8.5 मीटर, 9.6 मीटर, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है भुजा गुना भुजा, ठीक है। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाण करना है तो उसका सूत्र है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, ठीक है। पहले आपको ये मैं कंफर्म कर दूं कि वर्ग होता क्या, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, समान होती है, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता, उसे कहते हैं हम वर्ग। एक होता है आयत, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत इसे कहते हैं अपन आयत, इसे कहेंगे हम वर्ग। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ग की, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, वर्ग का क्षेत्र मालूम करना है तो भुजा गुणा भुजा, हम एक भुजा का मालूम है तो हम सही भुजाओं के में पता चल जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ कि 5.3 मीटर, 5.3 मीटर एक भुजा की लंबाई दी हुई है, तो इसका मतलब ये 5.3 है तो ये 5.3 हो गया, ये भी 5.3 हो गया और ये भी 5.3 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल मालूम करना है। ये फर्स्ट वाला क्षेत्रफल हमें मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे। भुजा कितनी है 5.3, को हम 5.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 5.3 को 5.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 28.9 मीटर में, तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। हो गया आपका। हम बात करते हैं परिमाप, परिमाप का सूत्र है 4 गुना भुजा, तो 4 को भुजा से गुना कर देंगे। भुजा कितनी है आपकी 5.3, इन दोनों को हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 की 1.2, 21.2 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। हम बात करते हैं सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर सेम वैसे ही करना है, क्षेत्र मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे। भुजा कितनी है 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगी 8.5, अरे एक भुजा 8.5 के, तो सारी भुजाएं भी 8.5 की हो जाएंगी। और जैसे हम 8.5 को 8.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.25 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यह आपका क्षेत्रफल हो गया। हम बात करते हैं परिमाप की, परिमाप क्या करना है, इस भुजा को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 8.5। जैसे हम 8.5 को 4 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आता है 34 मीटर, ठीक है। ये सेकंड नंबर का सॉल्व हो गया। हम बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन, एजिटी जैसे हमने दोनों किए, थर्ड भी एजिटी हो जाएगा। क्षेत्र मालूम कर रहे हैं तो भुजा गुना भुजा, भुजा कितनी है
9.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.6 से। जैसे हम 9.6 को 9.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 92.60 मीटर स्क्वायर। हम बात ठीक है परिमाप, ये हुआ क्षेत्रफल का परिमाप, बनो परिमाप 4 गुना भुजा, भुजा हमारी 9.6 की। जैसे 9.6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता 38.4। ये आएगा आपका मीटर में, ठीक है। सो हमने सेकंड क्वेश्चन हमें इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करी। इसको आप वीडियो को आसान है 2 या 3 बार देखो या 1 बार में आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। Thank you.